देश के लिए सबसे गौरव का क्षण इस बार के ओलंपिक्स में तब रहा जब प्रवीण कुमार को गोल्ड मिला, और इस वक्त प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रवीण भाई, आपने इस बार पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपको सम्मानित किया है, 6 करोड़ रुपए की धनराशि आपको मिली है, नौकरी मिलने जा रही है। पर वो जो सम्मान जो आपने जो देश को दिलाया, उसके बाद जो लगातार आपको जो सम्मान मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें मिली हैं तो आसानी से तो नहीं होगा कि आप आसानी से घर पे बैठ के सारी चीज़ें मिल गई होंगी। प्रॉब्लम्स थी, चुनौतियाँ थीं, कभी तो अपने अपनों से फाइट करनी पड़ती थी, कभी उनकी बातें भी सुननी पड़ती थी, ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन सबसे फाइट करके उसके बाद इस यहाँ तक पहुँचना और इस सम्मान अपनी गवर्नमेंट की तरफ से हमें देना, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। अपने कहा लोगों से लड़ना, अपनों से लड़ना, मतलब अपनों से, घर वालों से लड़ना, ये किस बात की लड़ाई? आपके अपने पैशन को लेकर के लड़ाई, या आपकी अपनी जो आपकी जो शरीर की चीज़ें हैं उसको लेकर के लड़ाई? मेरी फैमिली को मैंने जब बोला था कि मुझे हाई जंप करना है, मैं ऐसे ओलंपिक से पैरालंपिक्स में लाऊंगा, गोल्ड लेके लाऊंगा, जैसे मैं 10-12 साल का था, तो मैंने वैसे अपनी फैमिली को बोल दिया था। वो मेरे फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अपने बच्चे को आगे बन के क्या बनाना है, तो मैंने वैसे ही खड़े होकर बोला कि मैं ये बनूंगा, मुझे नहीं बनना जो आप बोल रहे हो। वो क्या बनाना चाहते थे? वो मेरे को बोल रहे थे कि अपना डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ाई अच्छी से करेगा, तो नहीं तो अपना बैंक में चला जाएगा, मतलब सारी बहुत सारी चीज़ें कर लेगा। बट मेरा मन नहीं हुआ, नहीं मैंने बोला मेरे पापा मैं इसमें करूँगा, मैंने उनको स्टॉप किया, तो वो खुश होकर बोले कि ठीक है चल कर लेना। फिर उन्होंने बोला कि चल हम तुझे एक दो मौके देंगे, अगर तू वो सारी चीज़ें ठीक करके, मतलब तुझे उसमें अच्छा लगता है या फिर तुझे एक तरह से वो उपलब्धि मिलती है, तो तू कंटिन्यू कर लेना। तो मैंने जैसे मैंने बोला अपने 2015-16 में स्पोर्ट्स गेम हुआ था फर्स्ट टाइम स्कूल में, तो वहाँ पर मेरा गोल्ड था, तो फिर फैमिली ने धीरे धीरे सपोर्ट, हाई जंप में फिर धीरे धीरे फैमिली ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे मैं जहाँ भी गया वहाँ से मेडल लाया, तो जैसे मेडल फैमिली को देखने को मिला, तो बोला कि ठीक है बेटा चल, और कौन सा इवेंट है तेरा आगे कहाँ है, तो डिस्कशन क्यों, तो डिस्कशन जब हुआ तो अपने को लगा कि हाँ अभी सारी चीज़ें ईजी हो सकती हैं। नहीं, ये तो ईजी गोइंग वाली बात हो गई, कोई ऐसी कठिनाई जिससे आपने कहा अपनों से लड़ना पड़ा, तो वो लड़ना कहाँ पड़ा? देखो, डिसेबल पर्सन के लिए तो लड़ना सबसे पहले स्टार्ट होता है जब वो पैदा होता है डिसेबिलिटी के रूप में। जैसे आप सोचिए, एक बच्चा दिव्यांग है, सबसे पहले तो उसे फ़ाइट करनी है, उसकी फैमिली को फ़ाइट करनी है सबसे पहले, कि उसको एक्सेप्ट करने में, सबकी सबको ये बताने में, उस दूसरे और फैमिली आके मिलेगी यार तेरा आपका बच्चा, अरे यार, मतलब वो चीज़ें जब बताना फैमिली को आके, यार अरे तेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों पैदा किया, तो जब फाइट फैमिली स्टार्ट कर रही है तो तुरंत ही कि यार अपने को ये सुनना पड़ रहा है, ये सुनना पड़ रहा है। किसकी वजह से सुनना पड़ रहा है? जो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते सुनने को मिल गया ना उस बच्चे को, अब वो बड़ा हुआ, फिर उसके फ्रेंड सर्कल ने उसे सुनाना स्टार्ट कर दिया कि तू ऐसा है, तू ये नहीं कर सकता है, फिर उसे ताने मारने स्टार्ट कर दिए, तू लंगड़ा है, तू अंधा है, तू तेरा हाथ नहीं है, तू ये नहीं कर सकता है, तो फिर फाइट तो तभी से स्टार्ट होगी ना, जर्नी तो पहले बच्चा पैदा होते ही स्टार्ट हो गया, बड़ा हुआ थोड़ा, उसको थोड़ी चीज़ों से दूर कर दिया। दूर कर दिया मतलब कहाँ से? खेलने से, पार्टीज़ में अपने साथ ले जाने से, या फिर अपने शॉपिंग, या फिर अपना घूमने भी गए तो शर्म आने से, क्योंकि एबल बॉडीज या नॉर्मल इंसान को एक अपना दिव्यांग अपने साथ लेके चलेगा तो थोड़ी सी शर्म आती है ना, आएगी ना आँखों में कि दिखेगा कि यार सब देखेंगे मेरी तरफ, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, कम्फर्ट फील वो नहीं करेगा नॉर्मल पर्सन एक डिसेबल पर्सन के साथ, कि यहाँ पर क्यों सब ऐसे देख रहे हैं, और वो भी उनकी नज़रें जो थी वैसे कि बेचारा ये कैसे यार वॉक भी सही से नहीं कर रहा है, वो तब तक जब तक वो आपके आंखों से ऐसे उस गेट से दूसरे गेट से निकल नहीं जाएगा ना, तब तक आप उसी को देखते रहोगे तो कैसा फील होगा? वो सारी चीज़ें आप छोड़ के फिर उनसे फाइट करोगे, फिर भी आप अपने मेंटली जो हेल्थ है अपनी उसको इतना स्ट्रॉन्ग रखोगे कि बोलोगे उसको ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करोगे। जब हम इग्नोर करना सीख जाते हैं ना, तब हमारी चीज़ें सही से मैनेज हो पाती हैं। पर प्रवीण भाई, अब तो आप देश के लिए शान हो,
और अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के बीच में अब किस तरीके से वो कैसे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपके चीज़ों में परिवर्तन आया है पहले की अपेक्षा? देखिए, सक्सेसफुल पर्सन अगर सक्सेस पाले तो जो पुरानी चीज़ें और जो गलत भी था, चाहे मेरी तरफ से गलत था चाहे उनकी तरफ से गलत था, वो सब सही हो जाता है। सब सही हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते आपकी सक्सेस तो आप तभी मानिए जब आस पास आपके चेंज आने लगे, जो गलत चीज़ें थी वो चेंज होने लगे, जिनसे आपका दिल दुखता था वो सम्मान आपको मिलने लगे, वो चेंज है। और ये हो रहा है, ऐसे ही मेरी लाइफ में अभी भी हो रहा है। और इसके लिए तो मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि यार जो फाइट मैंने की है ना, आज पूरी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, अब आपको गोल्ड मिल चुका है, अब क्योंकि एक जो पोजीशन आपको चाहिए थी वहाँ पर आप आ चुके हैं, अब उसको मेंटेन करना है, किस तरीके से और मेहनत करेंगे अगले गेम्स में, कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से और क्या करेंगे? जैसे जिस हिसाब से मुझे आज यूपी गवर्नमेंट ने, अपने आदित्यनाथ योगी जी ने, चीफ मिनिस्टर सर ने जैसे सम्मान दिया है, इससे अभी मेरा माइंड दोगुना मोटिवेट है कि यार अभी मेरी जर्नी स्टॉप नहीं हुई है, अभी अपनी जर्नी में अपने देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तो अभी टारगेट्स मेरे बन रहे हैं, जैसे कि एबल बॉडीज में अपने को मेडल लाना है, नॉर्मल पर्सन के साथ अपने को मेडल लाना है, नॉर्मल पर्सन के साथ। हाँ, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है अपनी नवंबर में 2025 में अपनी दिल्ली में होगी, अपने इंडिया में ही होगी फर्स्ट टाइम पैरालंपिक्स की, उसमें अपने को गोल्ड जीतना है, जो कि मेरे पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गोल्ड नहीं है। तो ये मेरी बहुत ख्वाहिश है कि ये वाला और मिल जाए। एबीपी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे प्रवीण कुमार जी को, जिन्होंने इस बार देश का नाम रोशन किया और उन्होंने वो तमाम अपनी जो जर्नी की बात है वो साझा की कि कैसे एक समय पर उनको लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, पर अब जैसे जैसे सक्सेस उनके करीब आई वैसे वैसे लोगों का सम्मान उनको मिलता गया, पर अभी भी उनका जो लक्ष्य है वो और बड़ा है। और उनका ये कहना है कि अब वो एबल्ड जो पर्सन है उनके बीच में लड़ाई लड़के अब वो गोल्ड लाना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।